फुला फुला सा पूड़ी बनाएंगे। कच्चा आलू और प्याज का बहुत ही टेस्टी। चलिए आज बनाएंगे कच्चा आलू और कच्चा प्याज का फुला फुला सा पूड़ी। कच्चा आलू, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक। अब इसको क्या करना है, एक मिक्सिंग जार में लेकर के इसको अच्छे से स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। चलिए सभी चीजों को हमने डाल दिए हैं, अब इसको बढ़िया सा पेस्ट बनाएंगे। चलिए पेस्ट रेडी हो गया है। ये देखिए हमने किस तरह स्मूथ पेस्ट बना लिए हैं। अब इसको क्या करना है, एक बर्तन में इसको ले लेना है। अभी इतना ही डालेंगे। अब इसमें डालेंगे सूजी, ये पतला वाला सूजी है, छोटा वाला कटोरी में एक कटोरी डालेंगे और साथ ही डालेंगे इसमें गेहूं का आटा। गेहूं का आटा जितना ज़रूरत होगा हम उतना ही डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, उसके बाद इसको मिलाएंगे, उसके बाद फिर अगर ज़रूरत होगा तो फिर डालेंगे। इसमें जितना गेहूं का आटा लगे उतना लगा दिए हैं दोस्तों, इसमें पता चल गया है कि हमारा गीला होगा कि टाइट होगा। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देंगे, देखने में अच्छा लगेगा। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसमें कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे, इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है पूड़ी का। और हमने जो सूजी डाले हैं दोस्तों, सूजी डालने का रीज़न यही है कि पूड़ी मेरा कुरकुरा बनेगा और खास्ता बनेगा। चलिए सभी चीज़ हम इसमें डाल दिए हैं, अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, उसी तरह हम डो लगाएंगे। ज़्यादा सख्त भी नहीं रहेगा और ज़्यादा नरम भी नहीं रहेगा, इसको अच्छे से मिलाना होगा। चलिए ये मेरे रेडी हो गया है, अब इसको रेस्ट में रखेंगे। दस मिनट हो गया है इसको रेस्ट करते हुए। ये देखिए कितना अच्छे तरीके से सेट हो गया है, इसको एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और चारों तरफ लगा देंगे इसको। और इधर कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं और तेल भी गर्म हो गया है, अब हम पूड़ी को बेलेंगे। और इसको छोटा छोटा पीस में कटिंग करेंगे, देखिए इतना बड़ा बड़ा। दोस्तों ये जो कच्चा आलू और प्याज का पूड़ी बन रहा है, ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और आप इसको बना करके बच्चे का टिफिन में दे सकते हैं और बोले तो बहुत ही अच्छा लगता है। और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये अचार के साथ, भुजिया के साथ नाश्ता में बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए हमने सभी आटा को छोटा छोटा पीस में बना लिए हैं, अब इसको बेलेंगे, थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और एक आटा को उठा करके गोल बनाएंगे। और गोल बनाने के बाद इसको पूड़ी जैसे बेलेंगे। पूड़ी को ऐसा बेलना होगा दोस्तों, चारों साइड समान होना चाहिए, बीच में मोटा नहीं रहना चाहिए और साइड में भी मोटा नहीं रहना चाहिए, तब जाके आपका पूड़ी अच्छे से फूलेगा। ये देखिए कितना मोटा हमने बनाए हैं, देख सकते हैं। अब इसको उठा करके सीधा तेल में डालेंगे
तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और तेल गर्म भी होना चाहिए तब जाके फूलेगा आपका पूड़ी। और डालने के बाद इस तरह थोड़ा सा दबा देना होगा और तुरंत ही पलट देना होगा। ये देखिए दोस्तों किस तरीके से फूला फूला पूड़ी बन रहा है और सभी पूड़ी ऐसे ही बनेगा, एक भी पूड़ी मिस नहीं करेगा। चलिए पूड़ी तैयार हो गया है, फटाफट सभी पूड़ी को तैयार कर लेंगे। टाइम ओवर हो गया है दोस्तों, भूख भी लग गया है। ये गया तेल में, ये देखिए पूड़ी किस तरह फूल रहा है। ये देखिए फूला फूला पूड़ी बनकर तैयार हो रहा है दोस्तों। सभी पूड़ी को तैयार कर लिए हैं, बस एक बचा है, इसको भी तेल में छोड़ेंगे। देख सकते हैं दोस्तों किस तरह पूड़ी फूल रहा है। चलिए पूड़ी बनाना हो गया है, तैयार हो गया है पूड़ी। चलिए दोस्तों पूड़ी बनकर तैयार हो गया है। ये अचार के साथ, सब्जी के साथ, भुजिया के साथ इसको बहुत मजे से एंजॉय कर सकते हैं, बच्चे का टिफिन में भी डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। दोस्तों सुबह का नाश्ता आज हम इसी में करेंगे, अचार के साथ।